प्रणिपा दोस्तों आज मैं आप लोग को मुजफ्फरपुर का DRCC रिव्यू करवाने वाला हूँ। मैं गया हुआ था, अभी कुछ आया हुआ था घर पे। ठीक है, आप लोगों ने मेरी चंडीगढ़ टू बिहार वाली वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के देख सकते हो। तो मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से अपने घर बिहार आ चुका हूँ और मैं मुजफ्फरपुर में रहता हूँ। तो मैं गया था मुजफ्फरपुर सिकंदरपुर DRCC ताकि आपके जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे काफ़ी सारे, जो सी यू को लोन प्रोवाइड नहीं हो रही है, तो मैं गया था पूछने। और मेरी कुछ अपनी भी प्रॉब्लम्स थी तो गया था मैं बातचीत करने की। मेरा जो सेकेंड सेमेस्टर का पैसा है, थर्ड सेमेस्टर का पैसा है, वो नहीं गया है कॉलेज में, तो इस रिलेटेड और मेरी छुट्टी भी चल रही थी तो मैं गया था अपना DRCC मुजफ्फरपुर वाला। ठीक है, ताकि मैं वहाँ से बातचीत कर सकूँ और जो प्रॉब्लम हुई है उसका सोल्यूशन निकाल सकूँ। तो हो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और आज आप लोग का DRCC जो भी प्रॉब्लम है नीचे कमेंट कर दो, मैं आप लोग को रिप्लाई जरूर कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो लिटरली आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैं आ चुका हूँ यहाँ पे सिकंदरपुर के मुजफ्फरपुर DRCC में। देखो यहाँ पे का DRCC का मैं आप लोग को पूरा रिव्यू दिखा देता हूँ। जैसे कुछ कुछ काउंटर्स है, सभी के सभी 17-18 काउंटर है और हर एक काउंटर का अपना अलग अलग काम है। अगर DRCC से कोई भी रिलेटेड अगर आप लोग को इश्यूज वगैरह है तो काउंटर नंबर 12 और काउंटर नंबर 17 पे काम वगैरह होता है, बाकी सारे काउंटर्स पे भी होते हैं, बट सबकी अपनी अपनी एबिलिटी फीचर्स है और काम करने की सबकी अपनी अलग अलग प्रक्रिया है। तो दोस्तों क्या करना था कि अगर मैं यहाँ पे गया था पता करने कि हाँ CU में अभी तक जो बच्चों को लोन नहीं मिल रहा है वो कब देखने को मिलेगा, तो लिटरली यहाँ पे बातचीत ये हुई है कि अभी जो सीनियर बच्चे CU के लिए जो गए हैं पिछले साल वाले, उन सभी का पैसा रुका हुआ है, वो पैसा चला जाएगा। उसके बाद फिर से जब फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी जाएंगी तो आप लोग का जो मतलब नए बच्चे जो इस साल एडमिशन ले रहे हैं तो उनका पास हो जाएगा CU से लोन, बट इस प्रोसेस में टाइम भी लग सकता है। तो फिलहाल आपको इसमें टाइम लगेगा, बट उससे पहले जब टाइम लगेगा तो आप लोग की एडमिशन और आप लोग का क्लास भी स्टार्ट हो गया है, तो इन सभी में आप लोग को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा होगा। अगर ऐसी बात है तो नीचे कमेंट में जरूर आप लोग बताएं कि क्या प्रॉब्लम अगर आप लोग को DRCC से रिलेटेड हो रहा है तो। और अभी हम लोग आगे वो भी बताएंगे कि अगर आप लोग का प्रॉब्लम है लोन प्रोवाइड नहीं हो रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो रही है आप लोग को लोन वगैरह लेने में, तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जस्ट। बट उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जो भी सीनियर स्टूडेंट है यहाँ से, क्योंकि मैं भी अब थर्ड सेमेस्टर में चला गया तो मेरा जो सेकेंड सेमेस्टर का पैसा था वो भी नहीं आया, तो मेरे को अंदर जा करके बात करनी थी तो मैं वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। बट मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग का पैसा जाने में कोई भी प्रॉब्लम वगैरह होता है तो आप लोग अपने नज़दीकी DRCC मतलब आपको जाना पड़ेगा DRCC में, बातचीत करना पड़ेगा। अगर आप लोग जाने में सक्षम नहीं हो तो आप लोग अपने घर के किसी गार्जियन को भेज करके बात करवा सकते हो, क्योंकि बात हो जाएंगी तो वहाँ से पैसा रिलीज कर दिया जाएगा और आपके खाते में या फिर आपके जो लोन लिए हो तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में चला जाएगा। फिलहाल अगर आप लोग कौन सी यूनिवर्सिटी हो आप लोग नीचे कमेंट जरूर कर देना, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। ठीक है, तो मेरी जो प्रॉब्लम थी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बट एक प्रॉब्लम ये हो गया कि मेरा जो सेकेंड सेमेस्टर का पैसा जाना था वो थर्ड सेमेस्टर का पैसा सेकेंड में चला गया। अब सेकेंड का पैसा थर्ड में जाएगा तो उसके लिए मैं जाकर के अकाउंट सेक्शन में जाकर के बात करना पड़ेगा। अब मैं बता दूं कि जो भी लोग को CU से लोन प्रोवाइड वगैरह नहीं हो रहा है, फिर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, उसके लिए आप लोग को बस वेट करना होगा और अपने गार्जियन को किसी भी रिलेशन को बोलना पड़ेगा कि जा जाके बार बार DRCC में ये पता कीजिए कि CU का जो लिस्ट होता है ना लिस्ट, उस लिस्ट में CU आया कि नहीं आया लोन प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हो यही आप लोग का DRCC मुजफ्फरपुर DRCC का पूरा रिव्यू और जो भी आप लोग के प्रॉब्लम्स थे, मैंने आई होप कि आपकी मदद कर दी होंगी। कैसा लगा आपको ये वीडियो आप लोग नीचे जरूर बता देना। मिलेंगे कौन है प्रॉब्लम्स वाली वीडियो में। चाहे दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।